नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप अगर पेटीएम यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड को हम एक्टिवेट करें, ठीक है, और उसे यूज करें शॉपिंग के लिए आने के लिए, तो आप इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, पाँच स्टेप बताऊंगा। ये पाँच स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको लिमिट मिल जाएगा, तो लिमिट तो हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से मिलता है, अलग अलग मिलता है। किसी को 250 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को 750 रुपये, किसी को 1000 रुपये, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप किस नगर से, किस महानगर से बिलोंग करते हैं, किस मेट्रो सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करने का चार पाँच स्टेप से बताता हूँ, इसको क्या फॉलो कीजिएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि पेटीएम ऐप को लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर के साथ में, ठीक है। और देखिए सबसे पहले नंबर चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका जो पेटीएम पोस्टपेड है, पेटीएम जो आप पेटीएम अकाउंट नंबर है आपका, वो होना चाहिए आपका केवाईसी, फुल केवाईसी होना चाहिए, ठीक है। आपको बिना केवाईसी का जो है आपका पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट नहीं होगा। कम से कम आपका पेटीएम केवाईसी हो जाना चाहिए। केवाईसी हो जाने के बाद में आपको पेटीएम पोस्टपेड पे जाना है, ठीक है। जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद में बताने के लिए आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर जो है उसको फिल करना होगा, उसके बाद में ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद में आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको सेकेंड स्टेप में चले आना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, और वहाँ पर आपको फिर अपना एरिया का पिन कोड डालना होगा, अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को यहीं पे जो रिजल्ट बता देता है कि यहाँ पे आपको मिलेगा या नहीं वाले मिलेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम बता करके आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देगा, या तो फिर आपको अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट नहीं है, इस तरह कुछ मैसेज दिखा देगा आपको, ठीक है। तो यहीं पर आपको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों करता है कि आपका अकाउंट सही ढंग से मतलब क्रिएट नहीं है, आपका पेटीएम के वाई से फुल नहीं हुआ है, ठीक है, या तो फिर आपका ही कभी भी मतलब कि फाइनेंस नहीं किए हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ में, आप कभी फाइनेंस नहीं किए किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया अभी तक, ठीक है, और उस नंबर को आपने कभी यूज नहीं किए उस फाइनेंस में, तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फाइनेंस होता है तो वहाँ पे एमबीबीसी पार्टनर करता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल सर्विस को संभालता है वो, ठीक है। तो वही जो है करता है, अगर उसके नंबर में आपका नंबर नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन बता देता है तो फिर आपको यहाँ पे अगला स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपका अल्टरनेट नंबर मांगेगा। अल्टरनेट नंबर मांगने के बाद में यहाँ पे आपको मतलब कुछ देर लेगा, उसके बाद अप्रूवल लेगा, ठीक है। अप्रूवल लेने के बाद तुरंत आपको बता देगा कि हाँ आपको 250, 700, 500 या 1000 रुपये का लिमिट मिला है, आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक्टिवेट करते हैं आपका पेटीएम पोस्टपेड जो है एक्टिवेट हो जाएगा, फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड प्रीपेड, या तो फिर बिजली बिल, फिर गैस बिल, टोकन, फिर उसके बाद में गैस कनेक्शन और पानी बिल और बिजली बिल, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बहुत तरह की चीज़ आप इसे मतलब कर सकते हैं, पेट्रोल पंप या पेट्रोल भरवा सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्पेंड होता है आपका 250 या 500, ऐसे ही मतलब ख़त्म कर देते हैं, तो आपको अगले महीने पे करना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जैसे भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर दीजिए, आपका फिर से मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप फिर से यूज़ कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आपको जो पे करना होगा पैसा, आपको महीने की 1 तारीख को पे करना होगा और 7 दिन तक वैलिडिटी देगा, 7 दिन तक आप यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप एक्टिवेट कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों मैं माफ़ी करना चाहूँगा कि ये वीडियो तो क्वालिटी थोड़ा सा आपको खराब देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, वो तो आपको होते रहता है, ठीक है। चलिए मुझे आशा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा और बिल्कुल काम का होगा। तो चाहे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं मैं आपको।